हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में इस लेक्चर को हम एक क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, थ्री आइडेंटिकल रॉड्स ईच ऑफ मास एम एंड लेंथ एल फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फुलफिल कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस विच पासिंग थ्रू इट्स वन कॉर्नर, एक कॉर्नर से पास करे एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सेकेंड में पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एन एक्सिस विच पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। थर्ड पॉइंट में पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस, मतलब इसके साइड के एक्सिस के, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक साइड के और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यानी ये तीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तीनों क्वेश्चन में आपको एक एक करके डील करना है। इस लेक्चर को हम इसी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अब देखते हैं, एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। थ्री आइडेंटिकल रॉड ईच ऑफ मास कैपिटल एम, लेंथ एल दिया हुआ है, फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस विच पासिंग थ्रू वन कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक कॉर्नर से पास करता है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हम इसका पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सिंपल सा इसका कुछ ऐसा फिगर बनेगा। यहां से अगर आप निकालिएगा तो आ जाएगा आपका पासिंग थ्रू इट्स कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर। इस कॉर्नर से पास करें और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, फर्स्ट वाले में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जब हम इस, अब इसका लेंथ आपको एल दे दिया हुआ है, जैसा कि आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस लाइन के लॉन्ग। इस लाइन को अगर हम ले लेते हैं आई, कुछ भी आई जेड ले लेते हैं, तो हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पासिंग थ्रू वन कॉर्नर, एक कॉर्नर से पास करे और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर हो, और हमको क्या निकालना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें तीनों पार्ट हैं, तीनों पार्ट एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच पासिंग थ्रू इट्स कॉर्नर, एक कॉर्नर से कोई पास करे और दूसरा परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर, तो हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसा कि हम इसका बताए थे जब हम प्रूफ किए थे, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम प्रूफ किए थे कि पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन आता है ml स्क्वायर बाय 12। यही पासिंग थ्रू इट्स कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ml स्क्वायर बाय 3 आता है। तो ध्यान से देखिए, हमको इस कॉर्नर से पास करवाना है, पासिंग थ्रू वन कॉर्नर, एक कॉर्नर से पास करना है, यानी कॉर्नर से, और दूसरा परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब हम इसके। तो ध्यान से देखिए, ml स्क्वायर बाय 12 होता है, लेकिन वो होता है कब, जब वो सेंटर से पास करे, लेकिन यहाँ क्या है, साइड से जब पास करता है तो ml स्क्वायर बाय 3 होता है। तो जब ये कॉर्नर से पास करेगा, तो ध्यान से देखिए, ये आपका रॉड है, रॉड के इस कॉर्नर से पास कर रहा है, तो जब कॉर्नर से पास करता है तब क्या होता है, ml स्क्वायर बाय 3। तो इस लाइन को अगर हम नाम दे दें ए बी सी, ए बी के लिए आपको इस पॉइंट को, ए बी के लिए ये क्या हो जाएगा, बी जो है कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा। कॉर्नर पॉइंट पे हम क्या याद किए थे, ml स्क्वायर बाय 3। एग्जैक्टली ए बी और बी सी के लिए ये बी जो है क्या हो जाएगा, कॉर्नर पॉइंट और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये बोला ही है। तो हम क्या याद किए थे, जब वो सेंटर से पास करे तो ml स्क्वायर बाय 12 होता है, और जब वो ए वन एंड से पास करे, कोई भी वन एंड से पास करे, तो ml स्क्वायर बाय 3 होता है। तो ये तब होता है जब पासिंग थ्रू सेंटर रहे तो ml स्क्वायर बाय 12। तो ध्यान से देखिए, ए बी के लिए जो बी है वो क्या है, वन एंड है, एक एंड की तरह बिहेव कर रहा है, और वन एंड पे हम क्या याद किए हैं, ml स्क्वायर बाय 12। तो इसका मतलब ए बी का किस एक्सिस के थ्रू, आई जेड
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा ML, L क्या है लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ML स्क्वायर बाय 3। एग्जैक्टली BC के लिए भी हो जाएगा ML स्क्वायर बाय 3। अब हम करते हैं इस लाइन का AC, अकॉर्डिंग टू AC। अब AC के लिए क्या रूल लगेगा, AC के लिए अब अलग लगेगा। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से अगर पास करता तब तो हम कह देते ML स्क्वायर बाय 12, क्योंकि बात हम बताए थे कि जब भी रॉड का पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन हो तो क्या हो ML स्क्वायर बाय 12। जब कोई भी वन एंड से पास करे तो ML स्क्वायर बाय, देखिए AB के लिए ये वन एंड की तरह बिहेव करेगा तो ML स्क्वायर बाय 3। एग्जैक्टली BC के लिए भी ये वन एंड की तरह बिहेव कर रहा है तो ML स्क्वायर बाय 3। लेकिन ये जब हम AC की बात कर रहे हैं तो वन एंड के थ्रू भी नहीं है, नहीं इसके सेंटर से पास कर रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट हमको पता है, किस पॉइंट के अबाउट, अकॉर्डिंग टू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन हमको पता है ML स्क्वायर बाय 12 होता है। लेकिन इस पॉइंट के अबाउट हमको नहीं पूछा है, हमको पूछा है आपसे, इसको डी ले लेते हैं, डी पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा, हमसे पूछा बी। तो अब इसमें हम क्या लगा लेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। हम बताए थे कि पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ML स्क्वायर बाय 12। तो क्या कर लेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आप निकालिएगा, ये आपका 60 डिग्री है, ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा L साइन 30, साइन 60। देखिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब यहाँ से क्या निकाल लीजिए, साइन थीटा निकाल लीजिएगा, साइन 60, साइन 60 आ जाएगा आपका ये BD, BD बाय BC। BD हम यहाँ से अगर निकाल लें और BC क्या हो जाता है L, तो यहाँ से BD आपका आ जाएगा L sin theta। तो यहाँ से पुट कर देंगे तो MX स्क्वायर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम क्या बताए थे, अगर एक लाइन के अबाउट आपको पता है एग्जैक्टली इसके पैरेलल एक और लाइन है और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता हो, तो हम लगा देते हैं MX स्क्वायर, वेयर x क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसमें आप लगा लीजिए एम एक्स क्या आया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी डी, बी डी का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, बी डी का वैल्यू आपका आ जाएगा एल साइन थीटा, तो एल साइन थीटा का स्क्वायर, साइन 60 का स्क्वायर, तो यहाँ से आप इजी कर लीजिए, आपका आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्या हमको निकालना था, बी पॉइंट से डी पॉइंट को हमको पता था, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया एल साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा टोटल, याद रखिए एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, और ये दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा एम एक्स स्क्वायर, तो एम आ जाएगा एम एक्स की जगह पे एल साइन 60, तो यहाँ से आ जाएगा एल साइन 60 का स्क्वायर। यहाँ से अगर इजी कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर साइन 60, साइन 60 का वैल्यू आपका आ जाएगा रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा किस पॉइंट के अबाउट, आई जेड के अबाउट। हम क्या निकाले, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एन एक्सिस विच पासिंग थ्रू इट्स वन कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो उसका वैल्यू आपको आई जेड, इस लाइन को हम आई जेड लेके चले थे और आई जेड के अबाउट हम क्या निकाल लिए, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो ध्यान से देखिए, इसके इस ए बी के लिए ये क्या हुआ, कॉर्नर पॉइंट हुआ, एग्जैक्टली बी सी के लिए भी ये कॉर्नर पॉइंट हुआ, लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से एम एक्स स्क्वायर एक्स क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट दिस आई जेड एक्सिस। अब हम देखते हैं क्या देखा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एन एक्सिस विच पासिंग थ्रू इट्स कॉर्नर, कोई एक कॉर्नर से पास कर रहा है और वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हम कैसे निकालें, हम निकालें सिंपल सा बात है कि इसके इस ए बी के कॉर्नर से पास करते, यानी बी से पास करते हुए इसका
होता है जब भी हम रॉड का निकाले थे तो अबाउट वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन दैट इज एम एल स्क्वायर बाई थ्री. तो क्या होगा ए बी का बी पॉइंट के अबाउट अबाउट पॉइंट बी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन दैट इज एम एल स्क्वायर बाई थ्री. एग्जैक्टली बी सी के थ्रू भी हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर पॉइंट है तो क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री. लेकिन ए सी के लिए कॉर्नर पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट से होके पास कर रहा है. B पॉइंट और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन का होता है ML स्क्वायर बाय 12. किसी भी रॉड के पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन ML स्क्वायर बाय 12 होता है. और यहां से हम क्या थ्योरम लगा दिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आया BD तो MX स्क्वायर. सो दिस इज द वेरी क्लीन कांसेप्ट. अब देखेंगे हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को. अब क्या है इसमें ये देख लेते हैं, पासिंग थ्रू इट्स वन साइड. अब इसके मीट से पास करें, अब मीट से पास करें ये वाला पॉइंट हम देख लेते हैं क्योंकि ये इससे कोरिलेट कर सकते हैं डायरेक्ट. ये अगर आपसे बन गया फर्स्ट पार्ट तो थर्ड पार्ट तो उसी पे बेस्ड है. फिर हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, इसमें कह रहा है कि एक साइड से पास करें मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए वन साइड पासिंग थ्रू, एक साइड से पास करे और परपेंडिकुलर रहे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया हम निकालेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट हम देख लिए, अब हम क्या करेंगे इस टाइप से रहेगा और कह रहा है कि इसका भी नेमिंग कर देते हैं ABC पासिंग थ्रू इसके मीड पॉइंट से होके जाएगा, मीड पॉइंट से होके जाएगा यानी कि इसके सेंटर से, और दूसरा परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो ध्यान से देखिए, अब इसके अबाउट हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट अबाउट वन साइड, वन साइड पासिंग थ्रू इट्स पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो क्या होगा अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है. इसको ले लेते हैं IX ले लेते हैं, इसको कुछ भी ले लेते हैं. इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्सिया ये थर्ड वाले पार्ट में पूछा, इसके अबाउट निकालिए. अब ध्यान से देखिए, जैसा कि हम बताए थे रॉड का उसके कॉर्नर पॉइंट के अबाउट तो हमको पता होता है, इस पॉइंट के अबाउट आपको पता होता है, इस पॉइंट के अबाउट AB का B पॉइंट के अबाउट पता है, AC का C पॉइंट के अबाउट हमको पता है और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. अब हम इसका देख लेंगे इस पॉइंट के अबाउट, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे. और इसका इसके अबाउट क्या होता है ML स्क्वायर बाय 12 किसके अबाउट IX के अबाउट होता है, किसका इस रॉड का परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ. अब इसका इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, अब इसका हम क्या निकाल लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें क्या होगा, ये आपका 60 है ये आपका L दिया हुआ है, यहां से अगर आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम निकाल पाए तो इस पॉइंट के अबाउट हमको पता है, यहां से आपका आ जाएगा ये आ जाएगा L cos 60 यानी L by 2, सिंपल सा बात है. तो इसके अबाउट हमको पता है ML स्क्वायर बाय थ्री एग्जैक्टली AC का C पॉइंट के अबाउट पता है क्या ML स्क्वायर बाय थ्री और इसका इसके अबाउट, तो ये जो लेंथ हो जाता है L by 2 हो जाता है
तो यहाँ से हम लिखेंगे एम एक्स स्क्वायर, एक्स हो जाएगा यहाँ पे एल बाई टू एग्जैक्टली इसके लिए भी, तो इसको टू टाइम्स कर देते हैं, तो ये आपका आ गया किसके अबाउट, आई एक्स के अबाउट, यानी विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट दैट इज ओ, ओ से पास करते हुए और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन दैट इज एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, इसके थ्रू डायरेक्ट एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, इसका एम एल स्क्वायर बाई थ्री किसी भी कॉर्नर के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई थ्री, इसका भी एम एल स्क्वायर बाई थ्री, आई टू टाइम्स क्यों किए, सी का ओ पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो क्या लगाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो एम एक्स स्क्वायर एक्स क्या हो जाए तो बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज एल बाई टू, और यहाँ से आप निकाल लेंगे तो टू टाइम्स कर दिए, तो ये आपका आया अबाउट वन एंड्स पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड वाले में मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ एन एक्सिस विच पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब सेंटर से पास करे और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, अब थर्ड पॉइंट इसका देखेंगे। जैसा कि थर्ड पॉइंट पे हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एन एक्सिस विच पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, अब सेंटर से पास करे मतलब किसी भी सेंटर से पास करे और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल टाइप है, इसीलिए हम तीनों पार्ट एक ही क्वेश्चन में करके हम आपको बताएं कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आप कर रहे हैं आप यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप उस चीज को डील करें। अब ध्यान से देखिए, अब थर्ड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है वो आपसे कह रहा है आपको बताना है इस पॉइंट के अबाउट, कोई भी एक्सिस अगर इसको ले लेते हैं दैट इज आई एक्स, इसको ले लेते हैं आई वाई, तो आपको इस बार मोमेंट ऑफ इनर्जिया निकालना है आई एक्स या आई वाई के अबाउट, यानी कि जो कि सेंटर से पास करे, और दूसरा क्या कह रहा है अबाउट एन एक्सिस विच पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर से पास करे इस ट्रायंगल के सेंटर से पास करे, समझिए कि ये सेंटर है, इससे पास करे इसके सेंटर से, इस मिड पॉइंट को हम ओ ले लिए यानी कि इसके मिड पॉइंट से पास करे, और दूसरा दूसरा क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब हमको किस टाइप से इसको डील करना है कि इसके सेंटर से पास करे और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये जो क्वेश्चन है सबसे थर्ड पॉइंट, इसीलिए हम तीनों पार्ट एक एक करके डील कर रहे हैं। अब इसको हम किस टाइप से हम देखेंगे, अब ध्यान से देखिए, इसके परपेंडिकुलर अगर रहा तो आपको पता है कि पहले हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जैसा कि ये अगर 60 है तो इसको 30 होना पड़ेगा, ये 30 ये 90, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप अगर निकाल पाए, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल तो 30 30 में कन्वर्ट करेगा, तो ध्यान से देखिए ये अगर डिस्टेंस इस पॉइंट को अगर ए दे दे, ये बी अगर सी, तो अगर ओ बी ओ हमको निकालना है कि इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में हम निकालेंगे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि इस पॉइंट को अगर हम टी ले लेते हैं तो ओ टी निकालेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब हम निकालेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या लेंगे साइन 30 ले लेते हैं, साइन 30 परपेंडिकुलर दैट इज ओ टी बाय ओ टी बाय ये लेंथ हो जाएगा, ये आपको लेंथ निकालना है दैट इज बी ओ, तो यहां से आपका लेंथ अगर निकले तो ये अगर यहां से आप निकाल सकते हैं साइन थीटा या टेन थीटा भी निकाल लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, टेन थीटा से ज्यादा बेटर है, टेन थर्टी दैट इज ओ टी, ओ टी बाय बी टी, बी टी हो जाता है यहां से एल बाई टू, तो यहां से आपका आ जाएगा ओ टी इज जस्ट इक्वल टू एल बाई टू, टेन थर्टी, टेन थर्टी हो जाता है आपका रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री, यहां से आप ले लीजिए वन बाय रूट थ्री,
नहीं नहीं ओटी ही निकालना मेन चैलेंजिंग था। अब क्या लेकर लेंगे, हमको पता है कि किसी भी रॉड के पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 12, ये आपको पता है। तो इस पॉइंट के अबाउट आपको पता है, ठीक है, हमको निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी द डायरेक्शन ऑफ दिस स्ट्रिक। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लिए तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्सिया का किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें हम सारे टिपिकल टाइप क्वेश्चन ले लिए। अब ओटी हमको निकल गया, अब सिंपली बस पुट कर देंगे क्या, एम एल स्क्वायर बाई 12 किसके अलॉन्ग, ए सी का, इस पॉइंट को अगर हम टी ले लेते हैं तो इसको एस, इसको पी ले लेते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 12, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 इसका एस के अलॉन्ग होगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इस ओ के अलॉन्ग, सेंटर के अलॉन्ग, तो ये डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस हम निकाल लिए हैं, क्या आ गया है, एल बाई 2 इंटू 1 बाई रूट 3, तो यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस एम एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर लगाएंगे यहाँ पे, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता है, ये डिस्टेंस हमको पता है, ये डिस्टेंस कितना है आपका एल बाई 2 रूट 3। अब ये हमेशा ये डिस्टेंस याद रखें, जब भी आपको काम पड़े तो यही डिस्टेंस लगा दीजिए, बाकी तो टेन थीटा आपको निकालने आता ही है, टेन थर्टी। अब यहाँ से क्या आ जाता है, एम एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ओ टी भी वही होगा, ओ एस भी वही होगा, ओ पी भी वही होगा, सारा का वैल्यू वही होगा, दैट इज एम एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एल बाय 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया आई एक्स, कुछ भी बोलिए, आई एक्स बोलिए, आई वाई बोलिए, आई जेड। अब यहाँ से पास करने वाले इनफाइनाइट्स लाइन हो सकते हैं, जो कि सी से पास कर रहा है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्सिया सब के लिए यही हो जाएगा, एक के केस में किए यही तीनों के केस में हो जाएगा, दिस इज इंटू 3। तो आप ध्यान से समझिए, एम एल स्क्वायर बाई 12 आपको किस एक्सिस के अबाउट पता होता है, अबाउट दिस एक्सिस एंड पॉइंट टी के अलॉन्ग पता होता है, यानी कि इस ओ के अलॉन्ग आपको पता होता है एम एल स्क्वायर बाई 12। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको इसके सेंटर के अलॉन्ग निकालना है, तो ये डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए, तो एम एक्स स्क्वायर, वो डिस्टेंस आपका आ जाता है एल बाय 2 रूट 3, तो वो एम एक्स स्क्वायर लगा दीजिए, और यही तीनों में होगा, इसीलिए मल्टीप्लाई इंटू 3 कर दिए, यानी तीनों के लिए यही होगा। तो आपका क्या आ गया आंसर, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एक्स स्क्वायर, एक्स क्या हो गया एल बाई 2 रूट, तो यहां से आ जाएगा एल स्क्वायर बाय 4 इंटू 3, इसका क्या कर देंगे इंटू 3, जब 3 कीजिएगा तो यहां से आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 4, एम एल स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल, एम एल स्क्वायर बाय 4, तो एम एल स्क्वायर बाय यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 4, तो एम एल स्क्वायर बाय लास्ट में 4, यहाँ से बच जाएगा 2, जो भी ये आपका आंसर आ गया। आप इसको इजी कर लीजिए, ये आपका आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया एन एक्सिस विच पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर से पास करते हैं, और दूसरा परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो हम ऑल टाइप का क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपसे डील हो गया तो समझिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया के कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी, आइए देखते हैं टॉर्क, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। अब टॉर्क जो होता है, एक नया टर्मोलॉजी है रोटेशन का, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि फोर्स आप देखते थे, अब हम देखेंगे टॉर्क। अब टॉर्क क्या है, टॉर्क का अगर बेसिक सा डेफिनेशन देखें तो होता है टॉर्क एट द पॉइंट, अ टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, वैसे ही टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट, और नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट पे हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, नेट टॉर्क हमेशा जीरो होता है, ये हम पहले ही बता देते हैं। टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क का वैल्यू होता है आर क्रॉस एफ।
अब इसमें आर क्या है, एफ क्या है? एफ आपको पता है, एफ फोर्स है, और आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान से देखते हैं क्या है। जब भी हम नेट टॉर्क की बात करते हैं, वो हमेशा जीरो होता है, वो भी किसी भी पॉइंट पे। हम पहले ही बता देते हैं, किसी भी पॉइंट पे नेट टॉर्क का वैल्यू जीरो होता है। अब टॉर्क होता क्या है? अब टॉर्क, जैसा कि रोटेशन चैप्टर में आपको फोर्स नहीं बता के हमेशा टॉर्क ही बताना होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्सिया किसी एक एक्सिस के अबाउट होता है, किसी एक पॉइंट के अबाउट होता है। और वैसे ही स्पेसिफिक, अब तक तो फोर्स आप पढ़े होंगे, लेकिन फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स और जिस पॉइंट पे हमको लग रहे हैं, एग्जर्ट कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जो होगा ये एक्चुअली में नया चीज बनता है जिसको बोलते हैं टॉर्क। मतलब फोर्स तो हम पहले भी लगा रहे थे, लेकिन उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जब हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब एक नया टर्मोलॉजी बनता है जिसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है। जैसा कि देखते ही समझ में आएगा कि फोर्स को अब किसी भी एक एग्जैक्ट पॉइंट के अबाउट हमको बताना हो, जैसे टॉर्क जब भी हम निकालेंगे तो किसी एक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्सिया जब भी हम कुछ निकालते हैं तो किसी एक एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, तो वैसे ही टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क का वैल्यू क्या होता है? नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट पे हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे कि टॉर्क जब अगर हम निकालेंगे, तो ये अगर थीटा है, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करें तो आपको आ जाएगा आर क्रॉस एफ, आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा एन कैप। अब जो एन कैप का डायरेक्शन होगा, एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन टॉर्क का हो, क्योंकि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए, ये जो एन कैप है यही डायरेक्शन होगा जो टॉर्क का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो आपको पता चल गया, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये किसी एक पॉइंट पे, पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, और नेट टॉर्क हमेशा किसी भी एक पॉइंट पे जीरो होता है। अब ध्यान से देखते हैं टॉर्क का वैल्यू इस केस में क्या आएगा। अब इसको ए बी टॉर्क एट द पॉइंट ओ निकालते हैं तो क्या आता है? आर। आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ध्यान से देखिए, फोर्स इधर लग रहा है, तो फोर्स का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फोर्स लग रहा है, और किस इस पॉइंट के अबाउट हमको निकालना है? फोर्स लग तो इधर रहा है, लेकिन हमको किस पॉइंट के अबाउट निकालना है? इस पॉइंट जाएगा टॉर्क निकाल रहे थे एट द पॉइंट ओ, ओ पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, तो ओ पॉइंट और ये जो फोर्स लग रहा है इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स यहां लग रहा है इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स और ओ के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ओ ए। डिस्टेंस तो बहुत सारा होता है, लेकिन हम हमेशा लेते हैं मिनिमम डिस्टेंस। तो फोर्स लग रहा है किस पॉइंट पे? फोर्स एग्जर्ट ऑन द पॉइंट ए। सो और निकालना हमको किस पे है? निकालना है बी पे। फोर्स लग किस पे रहा है? ए पे। तो ए और ओ के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वही आपका ये हो जाता है आर। आर क्या है? किसी भी पॉइंट, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, फोर्स एग्जर्टेड ऑन दैट पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, फोर्स एग्जर्टेड ऑन दैट पार्टिकल, तो किस पे लग रहा है? ए पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। और किस पे अबाउट, किसके अबाउट हमको टॉर्क निकालना है? ओ के अबाउट। दोनों के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो आपका आर होता है। तो वो क्या है आपका? ओ ए आर इंटू एफ, एफ को एफ रहेंगे, साइन थीटा का वैल्यू आपका क्या आ जाता है? साइन थीटा का वैल्यू आ जाता है आपका बी ओ बाय ए ओ। तो ए ओ से ओ कैंसिल, सो आपका टॉर्क का वैल्यू क्या आ गया? फोर्स इंटू बी ओ। बी ओ क्या हो जाता है? बी ओ होता है ओ पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका आ गया बी ओ। बाकी साइन थीटा एन कैप का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ओ का हुआ। तो अब से आप ये याद रखेंगे कि फोर्स इंटू बी ओ, बी ओ क्या है?
ओ और इसके पीछे एक्सटेंड करने पे ये जो लाइन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बन रहा है इसी को, ये जो डिस्टेंस है यही आपका आर का रोल कर रहा है। सो यहां से क्या आ गया, टॉर्क का वैल्यू क्या आ गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए और बी के बीच का, ये आपका आ गया बी ओ, बी और ओ के बीच का, यहां से हम जिस एक्सिस के अबाउट है उसको बैक साइड कर ले, ये बी ओ आ गया, ये आपका आ गया टॉर्क का वैल्यू। अब एक